आज के दिन की शुरुआत मेरी आवाज से। तो कैसे हो सब? मेरी तरफ से सत श्री अकाल सारे अनु। मैं कौन? मैं आपका प्यारा दक्ष हो जाए। आज अब तक तो जान ही होंगे, इतनी वीडियो देख चुके मेरी। तो अभी रनिंग का प्लान है हर्षा चोर मेरा। अभी मैंने उनको फ़ोन करा कि उठ गए हो ना, तो वो कहते हैं हाँ उठ गया हूँ, 6:45 तक चलते आ रहा हूँ तेरे घर के नीचे। तो चलो गाइस चलते हैं, मैं जा रहा हूँ हर्षा चोर के साथ। अच्छा बेटा चल ले, ठीक है, ध्यान से जाइयो। हाँ हाँ, तो चलो गाइस चलते हैं। अभी हर्षा चोर ने बोला था 6:45 तक आ जाऊँगा, पर मैं जल्दी जा रहा हूँ, 6:40 पे ही जा रहा हूँ मैं। और इधर से ना घूम के जा रहा हूँ मैं पीछे वाली साइड से, क्योंकि उधर से जाता फिर शोर होता, फिर मम्मी पापा ना उठ जाए। इधर ऐसे यहाँ पे जाके नीचे तभी ये मेरे पे उछल उछल के आ रहा था, मेरे पे कूद रहा था, तो मैंने मुझे लगा कि ये भूखा है, मैंने इसको थोड़ा दूर डाल दिया। कितने प्यार से पी रहा है ये, रहा इसका भाई। चाचू आ गया और अब जा रहे हैं रनिंग पे थोड़ा। गाइस अभी हम रनिंग कर कर के मॉडल टाउन आ गया। ये रहे हर चाचू, थक गए थे तो थोड़ी देर बैठे हैं, थक गए। सो गाइस अभी 8:30 हो चुके और घर पे आ गए हैं। ये रही दादी, अपना सुंदरकांड सुन रही है, इनको तो और कुछ मिलता नहीं टीवी पे। ये रही मम्मी, भैया और पापा तो सो रहे हैं। गाइस देख रहे हो ना वीडियो, तो चलो आपको बीच की वीडियो दिखाते हैं। अगर आपको अपनी मम्मी को बताना हो ना कि नहाने जा रहा हूँ, तो ऐसे बताना, मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी बोल बेटा, डॉक्टर का नंबर है। हाँ। चलो फिर अपना ख्याल रखना, पापा का भी ख्याल रखना, दादी का भी, भैया का भी, ते अपनी दवाइयां भी टाइम ते लेना। तू किधर चले है? मैं नहा चलिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइस आज के बाद नहाने जाना तो अपने परिवार को यही बोल के जाना, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन जाएगा यार। गाइस अभी थोड़ी देर सो गया था आके, और उठते ही मम्मी ने काम दे दिया। क्या लाना? टमाटर और धनिया। टमाटर कितने किलो? 1 किलो ले आ। और धनिया? धनिया भी ले आ, मोटा मोटा पत्ता लाइयो तो पूरी गुच्छ ले आ। ठीक है, तो चलो गाइस लेने चलते हैं स्कूटी पे, टमाटर लेने चलते हैं। टमाटर लेने आया अंकल, कितने रुपए किलो है एक टमाटर? 70 रुपए किलो। देख लो गाइस टमाटर भी कितने महंगे हो रहे हैं। सो अभी टमाटर और धनिया लेके आ गए, तो मम्मी क्या बना रहे हो? आलू का परांठा। दोस्तों थैंक यू, आपने कमेंट करा अच्छी चीजें बनाओ, आलू का परांठा बन के आता हो। देख लो गाइस मम्मी भी आपकी बात मानती है। मम्मी आलू का परांठा क्या करें, तुम्हारी सुननी पड़ती है। एहे, आज तो मजा आएगा, जल्दी बनाओ, भूख लग रही है। ओए, आज तो गाइस मजा आ गया, आपकी दुआओं से मेरे को अच्छा नाश्ता मिल गया, आलू का परांठा और दही, इसके ऊपर डाल लिया हमने थोड़ी चीनी और इसको करेंगे मिक्स। गाइस कमेंट में बताना कौन दही में चीनी मिक्स करके खाता है और कौन नहीं खाता। तो अभी भैया को ब्रेकफास्ट देने चलते हैं, ये हमें ये मयूर जग दे के आना है निजी शॉप पे, तो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी 3 बज रहे हैं और अभी नहा के आते हैं। और ये कट कैसे लग रहा है गाइस? अभी नहा के आ चुका हूँ और बहुत ठंडे पानी से नहाया, बहुत ठंड लग रही है। और अब से नो टोपी, ऐसी बाल रखूंगा, अच्छे लग रहे हैं मम्मी, अच्छे लग रहे हैं ना बाल? गजब। और मम्मी पता नहीं क्या कैसी कैसी दालें बनाती है, देखना दालें। पापा हरी मूंग की दाल कह गए थे वही बनाई। पापा जो बोलेंगे आप तो वही बनाओगे, हमारी कोई फरमाइश पूरी करते हो? जो बोला कि राजमा बना दो, गाइस ने भी बोला कमेंट में कल छोले भटूरे बना दो। बना दो भैया और मैं चैलेंज करेंगे। ओके ठीक है गाइस, आपको कल वाले व्लॉग में ना, मतलब ये वाला तो कल आएगा ना, तो कल वाले व्लॉग में आपको छोले भटूरे का चैलेंज देखने को मिलेगा, तो तैयार हो ना उसके लिए? अगर तैयार हो तो कमेंट में लिखो और कमेंट में मम्मी को बोलो कि बनाए, स्कैम ना करें हमारे साथ, छोले भटूरे बनाए, ठीक है। सो गाइस अभी हम बच गए, हमें दाल दूल का झमेला पालना ही नहीं है, हमें खाना नहीं पड़ेगा। मम्मी ने हमारे लिए आलू की रोटियां बना के रखी है सुबह, तो यही खाते हैं। ताऊ भी घर पे आ चुके हैं। हेलो ताऊ। हाय। ताऊ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? कटवा गया है। पता नहीं लग रहा ना।
हद है यार, ये पागल है, छोड़ो। अभी ट्यूशन के लिए निकल रहे हैं, आ गया अनुज खड़ा, उसके साथ ट्यूशन चलता है, लेट्स गो। सो अभी ट्यूशन की छुट्टी हो गई थी, निकुंज के घर आया मूवी से मिलने। अरे कभी यहाँ पे अनुज ले रहा है मेडिसिन। गाइस अभी ट्यूशन से आते आते थोड़े से मोमोज ले आए हैं। गाइस मेरे ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार आप मोमोज मत खाया करो, बहुत गंदी चीज होती है। मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे, मुझे नीचे आए थे तो भैया ना बेटा कटक खा रहा है भैया। ओए काम करना था अभी। सो गाइस ये फोन मिला भैया को, पापा कौन सा है? आईफोन 13 प्रो। भैया इतनी किस्मत है तेरी, तेरे को लगता है? मुझे भी दिला दो भैया 41। मुझे भी दिला दो, मैं ब्लॉगर बन गया, मैं मारूं कान पे। मुझे भी दिला दो, 1000 सब्सक्राइबर कर फिर दूंगा। अपने पापा की बात सुनी, वो कह रहे कि 1K हो जाएंगे तो मेरे को भी मिल जाएगा। गाइस फटाफट 1K करवा दो प्लीज। गाइस हमारा डिनर आ चुका है, रोटी विद बैंगन का भरता और तेल, देखो गाइस। अबे यार तो गाइस देखोगे दूसरी वीडियो? अरे वही देखने का तो इंतजार कर रहे थे तुम, मुझे पता है। तो चलो देखते हैं सबसे ज्यादा हमें डर किससे लगता है। लिटरली बचपन से सारा डर में ही जिंदगी जीती है। बचपन में छोटा था तो मम्मी का डर, थोड़ा बड़ा हुआ तो चाचों का डर, चाचियों का डर, और थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल टीचर का डर, थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे बॉस का डर जहाँ पे काम करता था, अब बुढ़ापे का डर। So, दोस्तों आपने देखा इन्होंने एक नाम नहीं लिया बीवी का जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। गाइस अच्छा लगा ना, पता लग गया आज किससे डर लगता है ज्यादा। अरे यार क्या बात है। तो आपको पता है ना वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, क्या करना होता भैया? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आल्सो कमेंट। बेल आइकन भूल जाते हैं, पागल है तुम, छोड़ो बेल आइकन भी दबाना। गाइस गाइस कैसा लगा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो यार कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो पता ना क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन, और क्या करना था, कमेंट करके बताना यार कैसा लगा, आपको पता ही है। और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे भैया देखो क्या ठूस रहा है, ब्लॉग की एंडिंग नहीं करने दे रहा है, देखो मर्लिन ठूस रहा है, बस कर बे। तो चलो छोड़ो इसको गाइस, आप मेरी बात सुनो, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो पता है ना कहाँ मिलेगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल मिलते हैं हम, ठीक है, बाय बाय।